यस हेलो एवरीवन, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम लर्न इन कॉमर्स। आज इस वीडियो में लाए हैं 10th क्लास और 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी गाइडलाइन जो CBSE की तरफ से आई है। तो CBSE की तरफ से 10th क्लास 12th क्लास के बोर्ड के असेसमेंट की स्पेशल स्कीम जो CBSE लाई है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको पता लगेगा कि आप जो इस पूरा साल पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपकी इवैल्यूएशन होगी, कैसे कैसे सब कुछ प्रोसीजर चलेगा, आज पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए, इसको शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और उसमें आपको तैयार होना पड़ेगा आगे आने वाले आपके पूरे साल की तैयारी के लिए। तो 10th क्लास और 12th क्लास के CBSE के स्टूडेंट्स तैयार रहो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए, जो CBSE है आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके आई है। उस पूरी अनाउंसमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे और समझाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये स्पेशल स्कीम है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के असेसमेंट की होगी क्लास 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो CBSE नई गाइडलाइन अभी अनाउंस की है कल 5 जुलाई 2021 को। तो ये स्पेशल स्कीम है जो नई गाइडलाइन आई है उसके बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ एक एक करके। हर चीज़ आप डिस्कस देखना कि डिस्कशन में आपको कई चीज़ें नजर आएंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे साल आपको पढ़ाई करनी है तो किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे करनी है, कोर्स सिलेबस तो आपको स्कूल से मिलेगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये स्कीम जो है पूरे 2021-22 के लिए है, यानी करंट ईयर के लिए। और उस करंट ईयर के लिए सबसे पहले जो CBSE ने बताया है कि आपका एकेडमिक सेशन जो रहेगा पूरे साल का वो दो टर्म्स में डिवाइड होगा, ठीक है, टू टर्म्स में डिवाइड होगा। और वो टू टर्म्स में 50-50% यानी आधा कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में यानी फर्स्ट टर्म में और आधा सिलेबस आपका सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड टर्म, कह सकते हैं टू टर्म्स का हो या जैसे कि कॉलेज में होता है हमारा दो सेमेस्टर्स होते हैं, इस तरीके से आपका पूरा टू सेमेस्टर्स में साल को डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 50% सिलेबस आपका फर्स्ट सेमेस्टर में और 50% सेमेस्टर आपका सिलेबस आपका सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड टर्म में आएगा। यानी जो पूरा जो सिलेबस होगा आपका 21-22 का उसको डिवाइड किया गया दो टर्म्स में। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, उस सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स आपको टीचर पढ़ाएंगे सब कुछ करेंगे जैसे बोर्ड आपको बताता रहेगा। वैसे तो सिलेबस जो बोर्ड डिसाइड करेगा वो आपको पता लग ही जाएगा और शायद स्कूल वालों ने बता भी दिया होगा आपको कि सिलेबस में, पर सिलेबस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या आता है, तो सिलेबस की वीडियो आपको अलग मिल जाएगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 50-50% जो आपके दो सेमेस्टर्स में किया जाएगा। यानी पूरा तरीके से जो सिलेबस है बोर्ड एग्जामिनेशन का 2021-22 का वो रेशनलाइज कर दिया गया है। होगा तो लास्ट ईयर की तरह ही, लास्ट ईयर की तरह ही जिस तरीके से किया गया वैसे सिस्टम चलेगा, लेकिन बस इस पूरे सिलेबस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है CBSE ने। अब इसमें अंदर पूरा एफर्ट जो गवर्नमेंट CBSE ने कहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट पर जोर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल्स पर जोर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क पर जो भी आपको दिए जाएंगे उस पर जोर दिया जाएगा, वो ज़्यादा क्रेडिबल माने जाएंगे। और जैसे जैसे ऐसे आपकी मॉडरेशन पॉलिसी CBSE अनाउंस करती है उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका एग्जाम होगा, साथ साथ जो इंटरनल असेसमेंट हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क हैं, इन सब पर फोकस करके आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके ईयर द एंड आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आपके मार्क्स इस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे सारे। लेकिन आपको और बताता हूँ किस तरीके से सिस्टम चलेगा सारा स्पेशल स्कीम। बस इतना तो पता लग गया यहाँ पर कि आपका पूरा 50% सिलेबस, यानी कि आपको ध्यान रखना है 50% सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोला 50% आपका सेकंड सेमेस्टर में आएगा, नहीं आएगा, यानी बचा हुआ। अगर आपके पूरे कोर्स के अंदर एक बुक के अंदर 12 चैप्टर्स हैं तो 6 चैप्टर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या 6 चैप्टर आपके सेकंड सेमेस्टर में या फिर 7-5 हो सकता है। इस तरीके से किसी भी तरीके से जैसे स्कूल वाले पढ़ाएंगे उसी तरीके से आपका नॉर्मली 50% ही कर दिया जाएगा। तो इधर उधर थोड़ा बहुत 60-55% भी हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंगली। हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर्स कम पढ़ाए जाएं तो हो सकता है 45% और बाकी बचा 55% में कर दिया जाए, पर ये बात पक्की होगी कि आपका सेकंड सेमेस्टर में ऐसा कोई चैप्टर नहीं आएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका होगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को अलग कर दिया गया, तो ये तो बात पर लग गई आपको। अब इसके अंदर जो स्कूल्स हैं इन स्कूल्स के लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि वो टीचिंग जो करेंगे आपको पढ़ाएंगे वो डिस्टेंस मोड में ही ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे जब तक कि गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ उनको फिजिकली पढ़ाने का पूरा अलाउ नहीं कर देती। तो जब तक स्कूल्स नहीं खुलते हैं तब तक आपकी सारी पढ़ाई ऑनलाइन चलेगी, पहली चीज़। अब बात करते हैं क्लास 9th और 10th के लिए। पहले तो क्लास और 9th 10th का जो इंटरनल असेसमेंट होगा पूरे साल चलेगा, इंटरनल असेसमेंट पर जोर दिया जा रहा है इस साल। जैसे लोग इस साल एग्जाम नहीं हो पाए हैं तो उसके चक्कर में इंटरनल असेसमेंट पूरा जोर दिया जा रहा है। तो पूरा साल चलेगा इंटरनल असेसमेंट, चाहे वो फर्स्ट टर्म का हो या सेकेंड टर्म का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। टोटल उसके अंदर पीरियडिक टेस्ट होंगे, जैसे आपके हर दो महीने में या हर दो टेस्ट होते हैं ना, तो पीरियडिक टेस्ट होंगे। उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रैक्टिकल वर्क, स्टूडेंट एनरिचमेंट, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स,
जो भी प्रोजेक्ट आपको दिए जा रहे हैं उन पर पूरा फोकस किया जाएगा। ये पूरा इंटरनल असेसमेंट, कभी एग्जाम होगा, कभी ओरल टेस्ट होगा, कभी लिसनिंग स्किल्स होंगी, कभी स्पीकिंग स्किल्स होंगी, तो इस तरीके से इस पर जोर दिया जाएगा पूरा साल आपको इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, क्लास 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए। सिमिलरली क्लास 11th और 12th क्लास के बच्चों की बात करें, उनको भी इंटरनल असेसमेंट होगी, पूरा साल होगी, चाहे फर्स्ट टर्म की हो, सेकंड टर्म की हो, कुछ भी हो। उसके अंदर क्या होगा, वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक या यूनिट टेस्ट, जैसे कि टॉपिक खत्म हुआ तो आपका टेस्ट ले लिया या यूनिट टेस्ट ले लिया हर महीने, या फिर जो आपसे एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, हो सकता है एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, प्रैक्टिकल्स कराए जाएँ, प्रोजेक्ट्स कराए जाएँ, तो वो चीज़ें स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि क्या क्या आपसे। बच्चों के लिए बताया मैंने आपको, जैसे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जैसे भी हो आपका इंटरनल असेसमेंट होगी, आपका हर टॉपिक के एंड में आपका टेस्ट ले सकते हैं, यूनिट टेस्ट लेंगे, आपकी एक्टिविटीज़ ली जाएंगी, प्रैक्टिकल्स होगा, प्रोजेक्ट होगा, सब कुछ कराया जाएगा। और स्टूडेंट्स जो हैं एक स्टूडेंट का प्रोफाइल तैयार करेंगे पूरे असेसमेंट्स के लिए, पूरा साल होंगे असेसमेंट्स आपकी, और वो आपके डिजिटल फॉर्मेट में उनके मार्क्स को सेव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आपके सारे मार्क्स सेव कर दिए जाएंगे इस असेसमेंट्स के थ्रू, तो आपको पता लगेगा कैसे पूरा साल आपकी तैयारी चलती रहेगी, आपके टेस्ट होते रहेंगे, उनके जो मार्क्स होंगे आपको डिजिटली फॉर्मेट में सब कुछ सेव कर दिया जाएगा, जो ईयर एंड बोर्ड को दे दिया जाएगा। तो CBSE ही सभी स्कूल्स को एक फैसिलिटी देगा जिसमें कि इंटरनल असेसमेंट के सारे मार्क्स, जो भी हर बच्चे के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे, वो CBSE की IT प्लेटफॉर्म पर, CBSE के IT प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पड़ेंगे हर स्कूल को, वो वेबसाइट पर डालने पड़ेंगे। उसके अलावा जो भी एडिशनल रिसोर्सेज होंगी, जैसे कि सैम्पल असेसमेंट्स कैसे होने हैं, क्वेश्चन बैंक CBSE की तरफ से दिए जाएंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब भी CBSE स्कूल्स के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। तो आपको पता लग गया आपका एग्जाम कैसे होने और स्कूल्स के लिए इंस्ट्रक्शंस कैसे होनी है और आपके एग्जाम कैसे होंगे। तो पहले बात करते हैं टर्म वन की, जो टर्म वन के एग्जामिनेशन होंगे, जो कि बताया जा रहा है, इसमें बताया गया कि जो बोर्ड है फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन लेगा आपके नवंबर और दिसंबर में, यानी कि इस अभी जैसे अगस्त आपका जुलाई चल रहा है, तो अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर यानी 3 महीने का टाइम है आपके, नवंबर और दिसंबर के मई बीच में टोटल 4 से 8 हफ्ते का टाइम स्कूल्स को दिया जा रहा है, जिसमें वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पर, वो लोग चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, अलग अलग हिस्सों में जो स्कूल्स हैं उनमें 4 से 8 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है कि इस 4 से 8 हफ्तों के अंदर वो नवंबर दिसंबर के बीच में वो इस फर्स्ट टर्मिनल यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपसे ले लेंगे। डेट्स क्या होंगी वो बाद में नोटिफाई कर दिया, सिंपल सी बात है, ये भी बोर्ड का एग्जाम होगा, ध्यान रखना ये भी बोर्ड का, एक तरीके से आपके अब बोर्ड के दो एग्जाम्स होंगे, एक नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म का और एक सेकंड टर्म का जो मार्च अप्रैल में होगा। तो फर्स्ट टर्म के एंड में बोर्ड जो है वो टर्म वन एग्जामिनेशन लेगा, जैसे आपका अक्टूबर नवंबर में कोर्स खत्म होगा आपका फर्स्ट टर्म का, तो आपका एग्जाम लिया जाएगा, बोर्ड की तरफ से एग्जाम लिया जाएगा। हाँ, ये होगा ऑनलाइन, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका MCQ होगा, पूरी तरीके से 100% MCQ होगा। उसके अलावा कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ MCQs होंगे जो assertion reasoning टाइप के होंगे, बता दें ना, को कुछ assertions, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ रीजनिंग्स होती हैं, उसको आपको बताना पड़ता है कि assertion reasoning दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं या ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो MCQ होगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और साथ में assertion reasoning टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल टेस्ट आपका ये जो होगा फर्स्ट टर्म का 90 मिनट का होगा, 90 मिनट्स का होगा, और इसमें पूरा आपका जो फर्स्ट टर्म का 50% सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, ठीक है ना। डेट्स बाद में अनाउंस होंगी इसकी, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में 4 से 8 हफ्ते के बीच में हर स्कूल आपका एग्जाम लेगा और बोर्ड की तरह एग्जाम होगा, लेकिन होगा आपका ऑनलाइन, हो सकता है घर पर ही होगा, घर बैठ के होगा, और स्कूल अपने तरीके से एग्जाम लेंगे आपसे। चलो पहले आपको बताऊँ फर्स्ट टर्म के बारे में, तो क्वेश्चन पेपर जो हैं वो CBSE देगा स्कूल्स को, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कैसे होगी, वो सब कुछ CBSE स्कूल वालों को देगा, किस तरीके से मार्क्स मार्किंग स्कीम देनी है। और एग्जाम जो होंगे वो एक एक्सटर्नल सेंटर सुपरिंटेंडेंट होंगे या ऑब्जर्वर्स होंगे जो CBSE द्वारा अपॉइंटेड होंगे, वो उनके उनके सुपरविजन में ही ये सारे एग्जाम्स लिए जाएंगे। आपके जो आंसर्स होंगे वो आपके OMR शीट पे ले लिए जाएंगे, और OMR शीट पे एग्जाम देने के बाद आपके स्कैन करके वो आपकी इस CBSE पोर्टल पर वेबसाइट्स पर डायरेक्टली अपलोड कर दिए जाएंगे, और आपके मार्क्स जो होंगे स्कूल अपलोड करेगा उसी दिन कर देगा, जिस दिन आपको जैसे आपके मार्क्स आए, आपको मार्क्स पता लग गए, और स्कूल वाले उस मार्क्स को उनकी CBSE पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, जो काम आएंगे आपके फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है अप्रैल में के बाद मई जून में जब आएगा, तो उस वक्त आपके ये मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। बाकी जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा किस तरीके से इसमें काम करना है। इसका मतलब जो टर्म वन के जो मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूशन देंगे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए तैयारी रखना किस तरीके से एग्जाम आपने देना है, ठीक। जो सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा वो उसके ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फर्स्ट टर्म की तरह होगा, लेकिन होगा 50% सिलेबस के साथ, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये एग्जाम जो होगा मार्च अप्रैल में होगा। तो मार्च अप्रैल 2022
एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एक तरीके से जैसे बताया जा रहा है कि आपके बोर्ड के सेंटर्स होंगे, वहीं बोर्ड के सेंटर्स में स्कूल में नहीं होगा, आपके घर में नहीं होगा, ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे अब नॉर्मली होता है उस तरीके से आपके मार्च अप्रैल में फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होंगे। ये पेपर बताया जा रहा है 2 घंटे का होगा और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, सिचुएशन बेस्ड भी होंगे, ओपन एंडेड भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, लॉन्ग आंसर, हर तरह के क्वेश्चन आपको नॉर्मल पेपर की तरह इसमें होंगे। लेकिन अगर कहा जाता है कि अगर सिचुएशन सही ना निकले, मान लो कि सिचुएशन उस वक्त तक ये ठीक नहीं होती है नॉर्मल एग्जाम के लिए, तो फिर आपका जैसे फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ है उस तरह से 90 मिनट का आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा, वो जैसे फर्स्ट टर्म के एंड में होगा वैसे सेकंड टर्म के एंड में 90 मार्क्स का एमसीक्यू उसी तरीके का बेस पर क्वेश्चन पेपर आपका तैयार कर दिया जाएगा और सेकंड टर्म के जो मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल ओवरऑल स्कोर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इस सेकंड टर्म के एग्जाम, अब बाकी जो बात करते हैं, फर्स्ट टर्म का पता लग गया, सेकंड टर्म का पता लग गया कैसे एग्जाम होने हैं, अब जो असेसमेंट होनी है अलग सिचुएशंस में गवर्नमेंट बता रही है, जैसे बीएससी ने बताया कि मान लो फर्स्ट सिचुएशन आती है कि जो पेंडेमिक सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो इंप्रूव हो जाती है और स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स, अगर वो स्कूल आने के लायक हो गए, यानी कि स्कूल्स के अलाउ कर दिया गया गवर्नमेंट में कि एग्जाम दे सकते हैं, तो फिर बोर्ड फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों के एग्जाम सिलेबस वैसे चलेगा पर वो आपके स्कूल्स में या सेंटर्स में ये एग्जाम लिए जा सकते हैं और थ्योरी के मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों एग्जाम्स में, जैसे अभी एमसीक्यू हो रहा है तो इसी तरीके से दोनों में 50-50% मार्क्स इसमें दोनों में चलेंगे। तो अगर ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है तो स्टूडेंट्स अगर अलाउ कर देती है गवर्नमेंट के यहाँ जाके एग्जाम दे सकते हैं तो सेंटर या स्कूल्स में एग्जाम हो जाएंगे, फर्स्ट सिचुएशन तो ये हो गई। सेकेंड सिचुएशन ये है कि मान लो पेंडेमिक सिचुएशन पूरी तरीके से फर्स्ट यानी नवंबर दिसंबर तक पूरा स्कूल बंद रहते हैं जो कि चांसेस लग रहे हैं, तो फिर सेकेंड टर्म के एग्जाम्स स्कूल सेंटर्स में होंगे और जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हैं, जो आपका फर्स्ट टर्म के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो तो आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपके घर पे होंगे वैसे हो सकते हैं और उसकी वेटेज जो होगी फाइनल स्कोर में जोड़ दी जाएगी, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है, तो वो काम आ जाएंगे आपके सारे। उसके बाद आपका जो थर्ड सिचुएशन है कि मान अब थर्ड सिचुएशन ये है कि मान लो पेंडेमिक जो आपकी सिचुएशन है उसकी वजह से आपके स्कूल्स मार्च अप्रैल में बंद रहते हैं, यानी कि स्कूल्स खुल ही नहीं पाते हैं और लेकिन टर्म वन के एग्जाम्स हुए हैं तो स्कूल सेंटर्स में हो चुके हैं, ये भी पॉसिबल है, तो उस वक्त रिजल्ट्स जो होंगे वो फर्स्ट टर्म के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपका एग्जाम हुआ होगा उस बेस पर कर दिए जाएंगे या इंटरनल असेसमेंट के बेस पर किए जाएंगे और जो फर्स्ट टर्म की वेटेज होगी मार्क्स की वो इंक्रीज कर दी जाएगी उसी तरीके से जैसे कि फाइनल रिजल्ट आपका देना है, तो फर्स्ट टर्म के बेसिस पर आपको सेकंड टर्म के रिजल्ट्स भी दे दिए जाएंगे अगर सेकंड टर्म के एग्जाम ना हो पाए या फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो गए, तो तब ये बात की जा रही है। और लास्ट सिचुएशन ये आती है कि मान लो आपकी इस पेंडेमिक वजह से स्कूल बंद ही रहते हैं और यानी कि ना तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम ना सेकंड टर्म के एग्जाम आपके घर पर ही हो रहे हैं या मतलब सेंटर पर नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट जो होंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट जो आपकी पूरा साल चलेगी ना, यानी हर महीने आपके इंटरनल असेसमेंट चलेगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होंगे, थ्योरी मार्क्स होंगे, जो भी होंगे उनके बेस पर आपके मॉडरेशन करके आपकी पूरी फाइनल स्कोर्स कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ आ गया आपको कि क्या मैंने बताया। तो इस तरीके से आपकी सिचुएशन सारी बनेगी और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। फाइनल समरी ये है कि आपका अब पूरा साल के एग्जाम्स 10th हो या 12th हो 50-50% 50% फर्स्ट टर्म में 50% सेकंड टर्म में आएगा और उस हिसाब से सिलेबस आपका बांट दिया जाएगा, जैसे स्कूल वाले कराएंगे स्कूल वालों को इंस्ट्रक्शन दे देंगे किस तरीके से एग्जाम कराने हैं और अलग सिचुएशंस में किस तरीके से आपके मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी सब कुछ बता दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि पता लगता रहे कि आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे और आगे जो आपका सिलेबस चल रहा है 11th का 12th का कॉमर्स सेक्शन के लिए वो तो मैं चला ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो बी एट होम, स्टे होप, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू वंस अगेन एंड बी कनेक्टेड विद कॉमर्स। गुड बाय।